अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और इस वीडियो के अंदर हम वेव के लेक्चर को ही डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि वेव्स क्या है, वेव की टाइप्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। अब कोई भी वेव्स हैं इन जनरल, चाहे वो मैकेनिकल वेव हों चाहे वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने देखा कुछ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले वेव के अंदर क्रस्ट एक पॉइंट होता है, ट्रफ एक पॉइंट होता है, तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है वेव के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वेव लेंथ क्या चीज़ होती है, डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, डिनोटेड बाय म्यू और एफ, पुराने किताबों में एफ, न्यू किताब में म्यू। टाइम पीरियड क्या चीज होती है वेव के अंदर, टू बाय टी। और एक और एक चीज आप इसे कह लें, वेव नंबर क्या चीज होता है, दैट इज म्यू बार। तो ये कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम वेव की स्टडी करते हैं तो हम इन टर्म्स को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो क्या है, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो देखिए, हमने अब तक जो समझा है वो ये है कि वेव बेसिकली क्या होता है, किसी भी मीडियम के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस है, जो पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना है, ये वेव है। और उसके नतीजे में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। अब देखें, ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर था, ये पार्टिकल का ये वाला जो पोजीशन है ना, जिसे मैं ए मान लेता हूं, ये इस पार्टिकल का कौन सा पोजीशन कहलाता है, ये कहलाएगा आसान लफ्जों में मेन पोजीशन। अब अगर देखें मेन पोजीशन से ऊपर पॉजिटिव में, ये जो ऊपर हिस्सा है पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव हिस्सों में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखें मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, या आप इसे कह लें इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसके बाद देखें, अब देखें मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, अब उसके बाद बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब अगर ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डिवीजन में ऊपर हिस्सा है तो ये वाला पॉइंट कहलाता है क्रस्ट। और अगर यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, यानी आप इसको कह लें एम्पलीट्यूड जो है अगर वो नेगेटिवली से है, निचले वाले में देखेंगे, नीचे एक्स एक्सिस में देखेंगे, माइनस एक्स एक्सिस कह लें, वाई एक्सिस में देखेंगे, नेगेटिव पार्ट के अंदर, तो ये कहलाता है ट्रफ। तो पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अब आप कह लें, या आप कह लें इन पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस कॉल्ड क्रस्ट एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव वाई एक्सिस कॉल्ड ट्रफ। तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब सवाल है वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ इज द वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। अगर आप इसको देखेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल कहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, वेव लेंथ। एक वेव की लेंथ क्या है, डिनोटेड बाय लैम्डा। वन कंप्लीट साइकिल बेसिकली वेव लेंथ क्या है, वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज वेव लेंथ। अच्छा, इसको इस तरह से भी कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, या आप इसको कह लें ये क्रस्ट, अगर इसको लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, ये वाले क्रस्ट से ये वाले क्रस्ट तक का फासला, ये भी तो हमारा क्रस्ट है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का क्रस्ट,
इसे भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। इस ट्रफ से आगे अगर मैं और इसको कंटिन्यू करूं, इस वेव को इस ट्रफ तक का फासला, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ। तो अगर आप इसको भी देखेंगे ना, ये भी वन कंप्लीट साइकिल है। ये देखिए एक हाफ इधर मैं एम्पलीट्यूड, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट हाफ साइकिल बन जाएगा। तो दैट इज वन कंप्लीट साइकिल, दैट इज अगर ट्रफ से देखेंगे तो वन कंप्लीट साइकिल, ये क्या है, वेवलेंथ है। तो वन कंप्लीट साइकिल, या इसको इस तरह से भी कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के अंदर, या तो क्रस्ट दो क्रस्ट के दरमियान फासला, दो कंजेक्टिव एक बैग क्रस्ट के दरमियान फासला है, दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। दूसरा क्या है, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर ये जो दौरानिया है ये एक सेकेंड का है, इस एक सेकेंड में जितने वेव यहां से गुजरेंगे ना इस हिस्से से, यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, वो क्या कहलाता है, या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, इसे आप टाइम पीरियड कह लें। मिसाल के तौर पर आप इसे कह लें, ये आप इस तरह से कह लें, ये सॉरी फ्रिक्वेंसी में कह रहा हूँ, यहाँ एक कंप्लीट साइकिल हुआ वेव का, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, इस एक वेव को कंप्लीट होने में, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, या दैट न्यूट्रल पॉइंट टू दैट न्यूट्रल पॉइंट, यहां से इस वेव को यहां तक पहुंचने में, या यहां से इस वेव को यहां तक पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो है वो है फ्रिक्वेंसी। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा एक सेकेंड का लम्हा है, इस एक सेकेंड के लम्हे में जितने नंबर ऑफ साइकिल गुजर जाएंगे, यानी हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकेंड में जितने वेव के साइकिल गुजरेंगे, एक गुजर जाए, आधा गुजर जाए, तीन गुजर जाए, चार गुजर जाए, इस एक सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव के साइकिल गुजर जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। अच्छा, वेव नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल है, दैट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अगर आप इसको देखेंगे तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, वेव नंबर, बेसिकली वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, यानी वन अपॉन लैम्डा जो है बेसिकली वो वेव नंबर के बराबर है। व्हाट इज द क्रस्ट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। व्हाट इज ट्रफ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव वाई एक्सिस। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन, अपने मीन पोजिशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। What is wavelength? One complete cycle or distance between two consecutive truss, two consecutive truss, या distance between two consecutive point on a bed. किसी भी दो consecutive point के दरमियान जो आप distance लेंगे वो आपका wavelength कहलाएगा। Frequency क्या चीज़ होती है, time period क्या चीज़ होता है। Time period मैंने बताया कि एक wave के एक complete cycle को होने में, from neutral to neutral, from crust to अगला crust, from trough to next trough, इसको कंप्लीट होने में जितना वक्त लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल गुजर रहे हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज वेव नंबर, दैट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम वेव के टॉपिक में बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है यह कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।